जिला कांगड़ा के कस्बा राजा का तालाब में रविवार को जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने शिरकत की। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रदेश में शुरू जनमंच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को घर द्वार पर निपटाना है। उन्होंने कहा, आज तक सरकार द्वारा जितने भी जनमंच कार्यक्रम करवाए गए हैं, उनमें मिलने वाली लगभग सभी समस्याओं का निदान करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कार्यक्रम एक रस्म अदायगी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि गरीब से गरीब आदमी को घर द्वार पर ही राहत दिलवाना है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि केंद्र के साथ साथ प्रदेश सरकार ने भी ऐसी कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जिसका लाभ सीधी जनता तक पहुंच रहा है। इस जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली 15 पंचायतों के लोगों से आज 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 50 समस्याओं का निपटारा संबंधित विभागों द्वारा किया गया है। विक्रम ठाकुर ने बताया कि धर्मशाला में नवंबर माह में प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अब तक लगभग 29,500 करोड़ रुपए के MOU विभिन्न उद्योगपति व निवेशकों के साथ किए गए हैं, जिससे प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे पहले उद्योग मंत्री ने प्रदेश सरकार की अनूठी पहल एक बूटा एक बेटी के नाम मुहिम के तहत स्कूल में पौधारोपण किया। वहीं उन्होंने जनमंच कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। लोगों के घरों में जाकर, घर द्वार पे जाकर, सारे के सारे अफसर सहवान बाहर जाकर इस जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये महसूस किया गया है कि ये कार्यक्रम केवल और केवल कोई रस्म अदायगी का कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधा मिले, इसकी चिंता की जा रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब जब भी ये कार्यक्रम होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के बाद पूरे के पूरे कार्यक्रम के बारे में जो जो मंत्री जहां गया होता है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। और हमने ये पाया है कि तकरीबन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। और आपके प्यार और आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश के अंदर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही, इस सरकार में बहुत से ऐसे कार्यक्रम लेकर आपके बीच में आए हैं। अभी हर जिले में जनमंच के माध्यम से लोगों के पास पहुंचने का एक जो तरीका इस सरकार ने बनाया है, उसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही सफल कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, वो जनमंच में आकर इन चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का ये एक जो सरकार का एक सफल कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और मैं तो ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि बाकी के प्रदेश भी इस कार्यक्रम का अनुसरण करें। साहब, अभी धारा 118 किताब काफ़ी चर्चा चली हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? धारा 118 है, थी और रहेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।